हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई, तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूं। हमने लिया यहाँ पे ज़ीरा एंड साबुत गरम मसाला, धनिया एक चम्मच है पिसावा, एंड मिर्चें हैं लाल दो चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच, एंड नमक है दो चम्मच, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वन चम्मच। यहाँ पे हमने दो टोमेटोज़ ले लिए थे जो कि हमने यहाँ पर कट करके रख लिए, और हाफ कप जो है ऑयल है जो कि हम पतीली में डाल देंगे। पतीली पहले से हमने चूल्हे पर रख दी थी, ज़ाहिर है तेल को थोड़ा सा गर्म भी होने देंगे, और हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखा हुआ है हमने फ्लेम को। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो हम इसमें फिर चिकन ऐड करेंगे जब तेल गर्म हो जाएगा। और इस पॉइंट पे हमें लगा तेल गर्म हो गया तो हमने इसमें चिकन डाल दिए। अब जो है हम चिकन को थोड़ी देर जो है इसको कलर जब तक चेंज नहीं आता जब तक हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे, ताकि ये तेल के अंदर थोड़ी सी भुन जाए। जब थोड़ी सी कुक हो जाएगी इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें और जो है स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जो है चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, तो अब यहाँ पे हम इसमें स्पाइसेस जो है ऐड कर देंगे। अब ये जो हमने स्पाइसेस डाले हैं, तो ये जो अब थोड़ा सा प्लेट पर लगा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा हम पानी में करके डाल देंगे। तो अब ये स्पाइसेस डालने के बाद जो है हमने इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाना है। बहुत स्पेशल रेसिपी नहीं है, बस ये है कि मैं बना रही थी तो सोचा आप लोग साथ भी शेयर कर दूँ। मेरी एक नॉर्मल सी एक आम सी रेसिपी है ये। यहाँ पे हमने इसमें टमाटोज भी डाल दिए। अच्छा, कुछ लोग अगर दही ऐड करना चाहें तो एक चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर टमाटो जो है आप वो कम लें। मैं प्याज नहीं डालती, अगर आपको प्याज डालना है तो आप प्याज भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरी जो है ये हांडी टाइप की हो जाती है, चिकन हांडी टाइप, तो ये ज़्यादा यही पसंद करते हैं सब, तो मैंने इसमें प्याज बिल्कुल ऐड नहीं किया। अगर आपको प्याज ऐड करना है तो आप प्याज ऐड करें। इस पॉइंट पे जो है हम इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारी चिकन भी गल गई थी और यहाँ पर ये रेडी हो चुका था, तो मैंने सोचा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि थोड़ा सा हमने गार्निश कर दिया है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।